हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट यूट्यूब चैनल मार्केट आइडिया फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम फिर से देखेंगे मार्केट कल कैसे मूव कर सकता है और उसके साथ आप कौन कौन से स्टॉक पे बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले जरूर ये कहना चाहेंगे कि हमारा एजुकेशनल पर्पज चैनल है, तो हम यहाँ पे जो भी बताया या दिखा रहे हैं उसी एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप अपने कुछ भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कल तो हम लोगों का US इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो आने वाला है, मतलब आज को। तो ये एक कल का डे एक वोलेटाइल डे हो सकता है और उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग को प्लान करना है अपना। मतलब पोजीशन कभी भी बड़ा मत कीजिए कल के लिए, एटलीस्ट छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा। ये कुछ कॉशंस है जो आप मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हो आपके ऊपर है। तो चलिए देखते हैं। आज देखिए, हमने आपको कहा था कल कि अगर ये 720 लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तो आप यहाँ पे बाइंग के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर और भी मार्केट जा सकता है। तो आज देखिए लगभग इसी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट खुला, उसके बाद स्ट्रेट एकदम ऊपर की तरफ लगभग 820-830 के लेवल तक चला गया और उसके बाद यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करता रहा और फाइनली यहीं पे ही कहीं पे इसका क्लोजिंग हुआ। सो एक फ्लैट टाइप का मार्केट था, मतलब फ्लैट इस सेंस पे नहीं कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं था, फ्लैट इस सेंस पे कि सुबह सुबह जो मूवमेंट होना था वो हो चुका और उसके बाद मार्केट एकदम साइडवेज में चला गया। मतलब कुछ ही टाइम के अंदर देखिए यहाँ से 730 से ये लगभग जो है 810 ये लगभग एक से ढाई घंटे के बीच में कट चुका था और 810 से 830 के बीच में पूरा दिन घूमता रहा। तो मतलब यहाँ पे एक सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं साइडवेज मोमेंटम दिख रहा था और उसी हिसाब से आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, देखिए यहाँ पे इस बात एक पुल बैक आया था यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे एक पुल बैक आया था, यहाँ पे पुल बैक आ रहा था और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस कैंडल्स को, सो देखिए यहाँ पे ये देखिए ये वाला जो कैंडल है यहाँ पे ये नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन किसी ने इसको पुल किया और उसके बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश हुआ लेकिन उसके बाद फिर से नीचे की तरफ पुल बैक आया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे इनडिसीजन बन रहे थे, मतलब बायर्स चाह रहे थे मार्केट को ऊपर लेके जाने की लेकिन सेलर्स भी बहुत स्ट्रांग थे और वो भी नहीं चाह रहे थे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए क्योंकि उनको भी शायद कुछ और लग रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे इनडिसीजन बने हुए हैं। अब ये इनडिसीजन जोन ही डिसाइड करेगा कल की मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। तो बेसिकली अगर आपको ट्रेड करना है तो बाइंग अगर आपको करना है तो 830-840 इस लेवल के ऊपर, मतलब जो हाई है इसी के ऊपर बाइंग करना ठीक रहेगा, उससे पहले तो बिल्कुल ही ठीक नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडिसिव कैंडल्स है। और अगर आपको सेल करना है तो आप 800 के नीचे सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। अगर आप बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो 800 के नीचे आप सेलिंग के लिए सोच सकते हैं, मतलब ये जो जोन ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया इसके नीचे आप सेलिंग के लिए सोच सकते हैं, उस हिसाब से आपको 740 का टारगेट मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मतलब कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो 740 के नीचे ही सेल कीजिएगा और उसके हिसाब से आपको जो पहला टारगेट मिलेगा वो 680 के आसपास होना चाहिए और उसके बाद 640 का टारगेट आपको दिख सकता है, ठीक है। तो उसको ध्यान रख के आप अपना सेलिंग को प्लान कीजिएगा निफ्टी के ऊपर भी और बैंक निफ्टी के ऊपर भी। और अगर 840 के ऊपर चलता है तो ये 900 के लेवल तक, मतलब 11,900 के लेवल तक जाने की कोशिश जरूर करेगा निफ्टी, ठीक है। तो इसको ध्यान रख के अपना कल ट्रेड कीजिए, कल थोड़ा सा देख के ट्रेड कीजिएगा। तो चलिए आप थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले जरूर ये कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहे तो आप जरूर हमसे टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस लिंक को फॉलो करके जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी भी देखिए, बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट कुछ उसी तरह के थे, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ, ओपनिंग के बाद एक बहुत बड़ा कैंडल बना, मतलब ये बहुत बड़ा साइज का कैंडल था, लगभग 400-500 पॉइंट्स यहाँ पे ही कवर हो चुके थे। अब यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट जो यहाँ पे बाय किए थे या फिर यहाँ पे बाय किए थे या फिर यहाँ पे बाय किए थे तो उन लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, तो शायद उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, इस सबसे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया। उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज चला, उसके बाद मूवमेंट तो आया ऊपर की तरफ लेकिन ये मूवमेंट कुछ खास नहीं था, मतलब खास इसलिए नहीं थे कि यहाँ पे 500 पॉइंट्स का मूवमेंट के हिसाब से यहाँ पे उतना बड़ा मूवमेंट हमें नहीं दिखा, ठीक है, क्योंकि ये लगभग शायद 2-250 पॉइंट्स का मूवमेंट है। हालांकि पहले हाफ में, मतलब पहले 15 मिनट में हमें 500 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला था और ये इतना टाइम के अंदर या फिर आप कह सकते हैं पूरा दिन के अंदर 2-250 पॉइंट्स के रेंज के अंदर घूमता रहा। तो बैंक निफ्टी के अगर ये 250-300 पॉइंट्स के रेंज के अंदर घूमता रहता है तो ये कुछ खास नहीं होता है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। आज इसका वोलेटिलिटी कहीं ना कहीं दब चुका था और मतलब दब चुका था इस हिसाब से कि ये प्राइस पे मूवमेंट नहीं आ रहा था, हालांकि ऊपर नीचे बहुत हो रहा था क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊपर गया उसके बाद नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर ऊपर ऊपर, उसके बाद फिर से नीचे आया, उसके बाद फिर से ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत सारे थे लेकिन रेंज नैरो हो रहा था। तो नैरो रेंज पे ये ट्रेड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव आने को है ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, हमें नहीं मालूम कौन से साइड पे आएगा, वो तो देख के बताना पड़ेगा जब भी मार्केट आवर्स रहेगा तब। तो उस हिसाब से आपको अगर बाइंग या सेलिंग करने तो आप 25,700 के ऊपर बाइंग के लिए सोचिए,
उस हिसाब से आपको 26,000 का एक रेजिस्टेंस दिखेगा और ये साइकोलॉजिकल बैरियर भी होगा, तो इसके ऊपर जाने के लिए वेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है और जा सकता है। और नीचे की तरफ अगर आपको सेल करना है तो 25,300, 350 ये जो जोन है इसके नीचे आप सेलिंग के लिए सोचिए, उस हिसाब से आपको पहला जो टारगेट होगा वो 25,100, 150 के आसपास होगा और दूसरा टारगेट आपका 24,750, 800, 750 इस जोन के आसपास होना चाहिए। और इसके नीचे अगर चलता है तो और भी नीचे जाने के चांसेस बने हुए हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना बैंक निफ्टी का जो ट्रेडिंग डिसीजन है इसको ले सकते हैं, आप इस लेवल्स को जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा स्टॉक देख लेते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले जरूर हमें कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहे तो आप हमारे अंडर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। और अगर आप हमारे अंडर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारे तरफ से प्रीमियम कॉल्स एकदम फ्री में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्टॉक्स। तो पहला जो स्टॉक हम देखेंगे वो है सन फार्मा, और सन फार्मा अगर हम डेली पे चले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अब देख पाएंगे कि सन फार्मा एक नेगेटिव ट्रेंड में बना हुआ था, अब उसके बाद धीरे धीरे इस पे रिवर्सल आ रहा है, कंटिन्यूअसली 3 डेज पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल हमें दिख रहा है। तो अगर ये सन फार्मा कल ये लेवल के मतलब 490 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो 500 या फिर 500 तक जाने के चांसेस जरूर है, या फिर अगर आप कहें तो आप थोड़ा सा और कंजर्वेटिव हो तो 495 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो 500 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं या फिर उसके ऊपर 510 भी दिख सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिए, इंटरडे पे ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि आज जो कैंडल बना था वो वॉल्यूम के साथ बना, तो उस हिसाब से यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स इंटरेस्टेड है। तो बायर्स अगर इंटरेस्टेड है तो हो सकता है हमें ये ऊपर की तरफ मूवमेंट देने की कोशिश करो। और हालांकि ये जो कैंडल बना मतलब यहाँ पे जितना भी वॉल्यूम जनरेट हुआ ये लास्ट आवर पे जनरेट हुआ, तो हो सकता है ये जो बाइंग स्टार्ट हुआ था ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो खुलते ही कल गैप अप खुले उसके बाद ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत चले, फर्स्ट हाफ में ऊपर की तरफ रहे, उसके बाद नीचे आने की सोचे या फिर कुछ और हो, तो उस हिसाब से इसको आप बाइंग पॉइंट पे रख सकते हैं। 490 के ऊपर बाइंग के लिए सोच सकते हैं, या फिर 495 के ऊपर अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो 495 के ऊपर आप बाइंग के लिए जरूर सोच सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपके लिए एक स्टॉक जो आप बाइंग के लिए सोच सकते हो, और दूसरा जो स्टॉक हम सेलिंग के लिए सोच सकते हो है हम लोगों का इन्फोसिस। तो देखिए इन्फोसिस क्या है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे कुछ दिन के लिए ये एक नैरो रेंज पे ट्रेड कर रहा है, मतलब ये जो रेंज है यहाँ पे ये 1080 to 1050 ये 30 points का एक रेंज बना के ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपको कल इन्फोसिस 1050 लेवल के नीचे मिल जाता है तो आप यहाँ पे ज़रूर शॉर्ट सेल के लिए सोच सकते हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ऑब्वियसली ऊपर की तरफ की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कभी भी नहीं। और अगर नीचे की तरफ चलता है 1050 के नीचे तो यहाँ पे आप ज़रूर शॉर्ट सेल के लिए सोच सकते हैं, आपको 1020 का एक सपोर्ट ज़रूर यहाँ पे, आप एक ही दिन में इतना आएगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं अगर आपको 1% में मिल जाता है तो भी आप अच्छा टारगेट मान सकते हैं इंटरडे पे, ठीक है। तो ये था आपके लिए सेलिंग के स्टॉक। तो बाइंग और सेलिंग के दो स्टॉक हमने आपको बता दिए, एक है सन फार्मा और दूसरा इन्फोसिस, और उसी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो भी होता है वो भी हमने आपको बता दिया। चलिए बस आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट और प्यार जरूर दीजिएगा। और उसी के साथ अगर आपको किसी भी स्टॉक पर कुछ प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो हमें इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उसके आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए वीडियो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।